अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है जी, सब कैसे हैं? मैं हूं मुबशर नसीर, आप देख रहे हैं BMZ व्लॉग। आज मैं लेके जाऊंगा आपको एक नई जगह हमारे गांव में, तो वहां का विजिट मैं आपको करा रहा हूं। रहिएगा मेरे साथ इंशाल्लाह, थोड़ी देर तक मैं जो है ना पहुँच जाऊँगा। आपको आज देसी माहौल दिखाते हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूं यहाँ पे, एक बहुत पुराना, बहुत अरसे से यहाँ पे कुआं होता था। हमारे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन कम से कम भी वहाँ से कुछ अरसा पहले की बात है, तकरीबन 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आती थी, ऊपर से औरतें आती थी तो पानी ले कर जाती थी मटके उठा के। ये शायद आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये अभी ख़त्म ही हो गया है जी। ये साथ मेरा फ्रेंड्स आया हुआ है, आसफ नुमान नाम है इसका। प्यास बड़ी लगी है, मैंने कहा यार पानी निकालो, और तो कोई हाल नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी निकाल रहे हैं जी, अभी पानी पीते हैं। ये इतना ठंडा पानी है कि गर्मियों में भी ना यहाँ आप आके अगर पानी पिए तो मैं कहता हूँ कि फ्रीज़र और ये कुछ चीज़ नहीं है, इसके आगे मायने नहीं रखते, इतना ठंडा पानी है। ये क्या मज़े का पानी है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ा ठंडा पानी है। आज विजिट किया है वैसे फिर, आज छुट्टी थी जी, फ्राइडे को विजिट किया है। मैंने कहा चलो आज घूम चूँ मैं, कोई आप दोस्तों के साथ कोई नई नई चीज़ जो है वो भी शेयर करें। पहले ये हाथ के साथ जो है ना वहाँ से आगे मेरे ख्याल में वो सब बंदे मिल के इकट्ठे होके ना जोर लगाते थे, पानी निकल आता था। अभी जो है भाई इस पीटर ने उन्हें लगा दिया है, पीटर को ज़मीनों को ये पानी देते हैं। ये सामने तो ज़मीन है, ये साइड
अभी जो है ना ये मतलब इन्होंने पीटर इंजन लगा दिया, पीटर इंजन से पानी जो है वो मिलता है। चलो चलते हैं आगे, एक दो तीन और जगह हैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। बेहतरीन ये रास्ता है, कम से कम ही मैं आज यहाँ पे जो है ना तकरीबन चौदह साल हो गए होंगे मैं यहाँ पे आया हूँ। बचपन में तो काफ़ी आते थे, तो बस इस काम के सिलसिले में भाग दौड़ उलझन में जो है ना वो बिल्कुल मफलूज हो गई हमारी ज़िंदगी। जी ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये जो है टंकी के सारा कमाल है, ये भी इधर एक कुआं, ये बोके बने हुए हैं इसके लिए जो पानी बाहर निकाल दें। ये देखें अभी पहले जिस पे मैं गया था वहाँ पे तो ये ऐसे नहीं था, लेकिन चलो ये है कि थोड़ी सी मालूम आप लोगों को मिल गई होगी। अभी मैं पहुँचा हूँ एक और जगह, यहाँ पे जो मेरे दोस्त थे गांव के लड़के थे साहब, यहाँ पे आके समझ लिया कि स्विमिंग पूल बना हुआ था तो खौफ ही नहीं आता था। अब तो यकीन मारे खौफ आ रहा है ऐसे देख के, बचपन में तो इसमें हम जो है ना स्विमिंग करते थे, कम से कम ये तकरीबन उस टाइम 15-20 फुट मेरे ख्याल में गहरा था, अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज यकीन मान ले देख के खौफ आ रहा है ऐसे। ये सब चीज़ें वीरान हो गई हैं जब से ये मोबाइल सिस्टम आए हैं, तो ये चीज़ें सारी जो है ना ख़त्म हो गई हैं। अब मैं पहुँचा हूँ जी ये किधर नहाने वाली जगह है, ये भी पंजाबी में तो हमें से कहते थे जी कुंडा वाली ढल, ये सामने आ गई है नज़र, काफ़ी गहराई थी इसकी। यार जो है ना ये मैं आपको सारी बचपन की यादें दिखा रहा हूँ।